कुछ चाहिए मैडम? एक ग्लास पानी ले आओ। आप आधे घंटे से पानी पीती जा रही हैं। मेरा मतलब है कुछ ऑर्डर करेंगी आप? मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाए उसके बाद। ओके मैडम। बैठो। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं? तुमसे मिलने के लिए घर से निकलते वक्त तो यही इरादा था कि ऑर्डर मैं करूंगी। ऑर्डर करने का हक मेरा है क्योंकि मैं यहां पहले आई हूं। अच्छा तो ठीक है, आज एक नई बात हो जाए, ऑर्डर तुम करो और बिल मैं भरूंगी। वेटर। यस मैडम। दो कोल्ड ड्रिंक्स प्लीज। हीना, तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे किसी मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हीना, जहां तक मैं समझती हूँ तुम बहुत समझदार हो और मेरी ऑफर अकरम के लिए कितनी अहम है ये तुम समझती हो। बात अकरम की है तो अकरम को बुलाया होता। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि अकरम तुम्हारी हर बात मानता है। जरूरी नहीं है, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो औरतों की बातों में, जो औरतों की बहकावे में नहीं आते। तुम्हारा कहने का यह मतलब है कि हर मर्द समीर नहीं है? उम्मीद करूंगी कि यह नाम मुझे दोबारा नहीं सुनना पड़ेगा। बहुत नफरत करती हो तुम उससे, और करना भी चाहिए क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो या उसे मार देती या खुद मर जाती, और तुम होके सहती ही चली आ रही हो। शायद इसीलिए मेरा नाम हीना है। हीना, मुझे तो शुक्रिया। हीना, मुझे तुम्हारे पे बहुत तरस आता है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ ये सब बातें करने के लिए नहीं बुलाया। तुम जाके अकरम को समझाओ कि जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते। इस बात का एहसास उसे शायद तुमसे ज्यादा है। हो सकता है, लेकिन उसने लोन ठुकराया तो तुम्हारे वजह से। आज भी वो इनकार कर रहा है तो सिर्फ तुम्हारे वजह से। शायद इस बात का तुम्हें एहसास नहीं। पता है मुझे। तो वो तुम्हारे लिए इतने बड़ी कुर्बानी देने पे तुला है, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम उसके लिए कुछ करो? ये तुम अकरम के फायदे के लिए कह रही हो या अपने और अपने कंपनी के लिए? सबके फायदे के लिए। तुम सिर्फ इतना सोचो कि अकरम का कितना बड़ा फायदा हो सकता है। हीना, क्या तुम ये चाहती हो कि अकरम का फ्यूचर शैटर हो जाए, बर्बाद हो जाए? मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा फायदा मत देखो, अकरम का फायदा देखो, उसका फ्यूचर देखो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? जी, मैं नमीरा। ओहो बेटी, कैसी हो? जी बस अच्छी हूँ। बड़े दिनों बाद हमारी याद आई। दरअसल हीना से कुछ बात करनी थी। वो तो इस वक्त यहाँ नहीं है और ऑफिस में भी नहीं मिलेगी, कहीं और गई है। तुम ऐसा करो, मुझसे कह दो जो कुछ कहना है, मैं उसे बता दूंगी। दरअसल मैं हीना और अकरम के प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हूँ आंटी। हाँ बेटी, बात तो परेशानी की है ही, लेकिन अकरम लोन लेने को राजी ही नहीं है। उसे वो लोन लेना भी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हम उसके लिए गैर हैं? आप अपनी बात कर रही हैं। तो और क्या? तुम क्या समझ रही थी? नहीं कुछ भी नहीं। तो क्या आप अकरम के लिए लोन अरेंज करवाना चाहती हैं? हाँ,
हीना के अब्बू ने कहा था कि अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके उसके लिए लोन का बंदोबस्त करा देते हैं, लेकिन अकरम को मंजूर ही नहीं। अब तुम ही बताओ ये गलत बात है कि नहीं। खुददारी इंसान को ऐसा करने से रोक देती है। देखो बेटी, खुददारी अपनी जगह है और जरूरत अपनी जगह। खैर, ये तो अकरम की मर्जी। अच्छा, गुलदार को मेरा सलाम कहना। वो तो इस शहर में है ही नहीं। क्यों, कहाँ गई है? वो खाला जान के साथ गई है उनके घर। अच्छा 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 बेटी, हीना लौटेगी तो मैं तुम्हारी बात उससे करा दूंगी। जी, मैं अपने मायके में नहीं हूँ, तौकीर के घर में हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। गुलनार को कितनी खुशी हो रही होगी इसका अंदाजा लगा सकती हूँ। बेटी वाली हूँ ना, समझ सकती हूँ कि एक बेटी का घर बस जाए तो माँ के दिल को कितनी राहत मिलती है। खुदा हाफिज। अकरम तुम्हारी हर बात मानता है, लेकिन उसने लोन ठुकराया तो तुम्हारे वजह से। आज भी वो इनकार कर रहा है तो सिर्फ तुम्हारे वजह से। वो तुम्हारे लिए इतने बड़ी कुर्बानी देने पे तुला है, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम उसके लिए कुछ करो? अकरम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हें लोन नहीं दे रही, ओमेगा फाइनेंस कंपनी तुम्हें लोन दे रही। कुछ बातें फायदे नुकसान से भी ऊपर होती है रूबी। अभी मैं मायूस नहीं हुआ हूं, और जिस दिन सचमुच कोई रास्ता नजर नहीं आएगा ना, उस दिन अपने होटल के ख्वाब को अपने दिल से निकाल दूंगा। अच्छा ही होगा, फिर ख्वाब भी नहीं रहेगा तो उसके टूटने का दर्द भी नहीं होगा। तुम्हें अपने खालू के यहाँ जाना है। और हाँ, नमीरा का फोन आया था, अकरम के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी आंखें कुछ सवाल कर रही हैं। किस सवाल का जवाब ढूंढ रही हो? ऐसा क्यों होता है अम्मी, जिंदगी का एक सवाल पूरा नहीं होता कि दूसरा सवाल उलझन बनकर उभर आता है, सवालों से पीछा ही नहीं छूटता, ऐसा क्यों? क्योंकि सवाल गैर नहीं होते, अपने होते हैं, और रिश्तों की तरह साथ नहीं छोड़ते। मुझे तो लगता है रिश्ते ही सवाल होते हैं, जो निभ गया वो जवाब, वरना। अब कौन सा सवाल उलझन बन गया? जी कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रही थी कि मेरे वजूद की हैसियत क्या है, उसका मकसद क्या है। बेटी, जहां तक मैं समझती हूं, अगर इंसान को अपने वजूद और मकसद का पता नहीं चले तो उसे दूसरों में तलाश कर लेनी चाहिए, वरना वो भटक भी सकता है। दुनिया में हर सवाल का जवाब है, हर कोशिश का सिला है, बस इंसान को हौसले के साथ ईमानदारी बरतनी चाहिए। बबलू, ये लो बेटा, दूध पी लो, एक ही सांस में पी जाओ। नहीं मम्मी, अच्छा नहीं लगता। अच्छा कैसे नहीं लगता? बिल्कुल अच्छा लगता है, स्ट्रांग बनना है कि नहीं? तो ये लो। एक शर्त पर पीऊंगा। बोलो। मेरी स्कूल में कल पेरेंट्स डे है, पापा और आपको साथ में आना होगा। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन बेटा पापा का नहीं कह सकती, उन्हें बहुत काम है। सबके मम्मी पापा आते हैं, लेकिन मेरे नहीं आते। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें मना लूंगी। ठीक है, अब तो खुश, अब जल्दी से दूध पियो वरना स्कूल को देरी हो जाएगी। नमीरा ना, तुम आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामी, बबलू इतना बड़ा हो गया, कितना बदल गया है ये। कुछ ही दिनों में बहुत कुछ बदल गया है, सिर्फ बबलू ही क्या। अच्छा बेटा,
तुम स्कूल जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। ये लो अपना बैग और ये लो अपनी वाटर बॉटल। जाओ। बाय मम्मी। बाय मम्मी। बाय बबलू। आओ ना। मेरी अम्मी ने बताया कि तुम मुझसे किसी बारे में बात करना चाहती थी और मुझे जैसे ही पता चला कि तुम यहाँ आ गई हो मैं पहली फुर्सत में चली आई। अमीरा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ चाहा था और उनमें ये भी शामिल था कि मैं तुम्हें इस घर में देखूं। चलो, मेरी एक मुराद तो पूरी हो गई। मेरा ना सही, तुम्हारा घर तो बस गया। मुबारक हो। तुम तो मुझे मुबारकबाद दो ही मत हीना। तीर सा लगता है। एक तो वैसे ही एक बात हाँस की तरह चुभ रही है दिल में। कौन सी बात? तौकीर ने बताया कि रूबी अकरम पर अपना एक एहसान थोपना चाहती है। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो नमीरा, मगर मैं इसे ठीक समझती हूँ। क्या तुम इसे ठीक समझती हो? तुम क्या इतनी जल्दी भूल गई कि उसी औरत की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है? मैं नहीं भूली नमीरा, पर मुझे ये भी याद है कि मेरी वजह से अकरम के ख्वाब एक बार बिखर चुके हैं। मैं दोबारा इसकी वजह नहीं बनना चाहती। मैंने फैसला कर लिया है कि अकरम के इनकार को इकरार में बदल दूंगी। हाय, तुम कब आई? तुम्हें जो वक्त दिया था उसी वक्त पर आ गई, अलबत्ता तुम लेट हो गए। एक बार तो मैंने सोचा फोन करके तुम्हें मना कर दूं कि आज नहीं मिलते हैं, फिर किसी वक्त मिलेंगे। फिर सोचा मिल ही लेते हैं। कोई काम था? आजकल तो मैं फिर से बेकार हो गया हूं हीना, इसलिए तो कहीं और जाने का मन भी नहीं करता आजकल मेरा। मैं समझती हूँ अकरम, जब दिल बुझ जाए तो कहीं जाने का दिल नहीं करता, अंदर ही अंदर घुटन सी होती है। मैं तुम्हें इस बला से छुटकारा दिलाना चाहती हूँ, इसलिए बुलाया तुम्हें यहाँ। ऑफिस में वो बात नहीं हो सकती थी? ऑफिस में कई और झमेले होते हैं, और वैसे मैं तुमसे इत्मीनान से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बात तुम इतनी जल्दी मानने वाले नहीं। तुम जरूर मुझे रूबी का ऑफर एक्सेप्ट करने को कहोगे, है ना? उसकी बात मान लेने में हर्ज ही क्या है? ये तुम कह रही हो? अरे, जिस रूबी की वजह से तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया है ना, कि जिससे तुम्हारा वजूद तक बिखर गया, उसकी बात मानने को कह रही हो? अकरम, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि जिस रूबी की वजह से एक मेरी जिंदगी तबाह हुई है, आज वही रूबी तुम्हारी जिंदगी संवारने का ऑफर लेकर आई है। उसे ठुकराने की गलती तुम दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन हीना, मैं... लेकिन कहना छोड़ो अकरम, रूबी अपनी मर्जी से नहीं आई थी तुम्हारे पास। उसकी कंपनी ने उस पर दबाव डाला तो वो महज अपनी ड्यूटी निभाने आई थी, तुमसे लोन एक्सेप्ट करवाने। रूबी को तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। और रही उसकी कंपनी की बात, तो वो भी तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं अकरम। तुम्हारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में उन्हें अपना फायदा नजर आया, तभी वो तुम्हारे पास वापस आए। जब वो तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? और अगर तुम्हें अब भी इनकार है तो ये मैं कह रही हूँ, अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में इज्जत है तो अब तुम इनकार नहीं करोगे। तुमने ऐसी शर्त रख दी है कि इनकार करना मेरे लिए नामुमकिन हो गया, लेकिन मेरी भी एक शर्त है ना। जिस फाइल को मैं रूबी के ऑफिस में उसके टेबल पर पटक कर आया था, उसे वापस लेने मैं नहीं जाऊंगा। अब उसे खुद आना होगा। उसने तो खुद ही कहा था आने को। वाह रूबी मैडम, अपनी इस कुर्सी, अपने ओहदे के सहारे बहुत अच्छा खेल खेल रही हो तुम। बिना इजाजत तुम मेरे कैबिन में आई, मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि हर आने वाले को मैं इज्जत देती हूँ। आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हारा खेल खत्म करने आई। बिना किसी वजह मैं अपने पर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने नापाक इरादों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो रूबी। समीर को भासकर तुमने हमारे घर का सुख चैन छीन लिया, हीना की जिंदगी बर्बाद कर दी,
उसके बावजूद तुम्हारे दिल को ठंडक नहीं पहुंची जो अब अकरम को फांसने चली हो। मेरा माइंड योर लैंग्वेज, अकरम डिजर्व्स इट, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ और इसमें उसी का फायदा है। अगर किसी का भला सोचने का जज्बा तुम्हारे अंदर होता तो सबसे पहले तुम हमारे खानदान का भला सोचती, समीर का भला सोचती, जो आज तुम्हारी वजह से दर दर की ठोकरें खा रहा है। अगर वो चाहे तो ठोकरें खाने की नौबत नहीं आएगी। मेरे कंपनी में एक पोस्ट खाली है जिसके लिए मैंने समीर को रिकमेंड किया है और उसे भी ऑफर दिया है। अब ये सब करने के बाद अगर तुम मुझे गलत समझो देन दैट इज योर प्रॉब्लम। तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटी क्या बात है, आज तुम ऑफिस नहीं आई? अरे भाई कोई कुछ कहता क्यों नहीं, क्या बात है बेगम? मेरे ख्याल से अगर हीना खुद ही इस बात का जवाब दे दे तो अच्छा है। ऐसी क्या बात है जो आप नहीं कह सकती? भाई खैरियत तो है बेटी, क्या हुआ? अबू बोलो बोलो। अबू मैं सोच रही थी कि अकरम को लोन दिलवाने में आप गारंटर बन जाएं। अरे बेटी बस इतनी सी बात, मैं तो खुद उसे लोन दिलवाना चाहता हूँ बेटी, तुम तो सिर्फ गारंटर बनने की बात कर रही है। अरे मुझे तश्वीश होने लगी आप दोनों के चेहरे देखकर, मैंने सोचा कुछ अनहोनी हो गई है। आपने पूरी बात सुनी ही कहाँ, ये तो पूछिए लोन दे कौन रहा है। अरे कोई भी दे क्या फर्क पड़ता है बेगम, पहले नाम तो सुनिए फिर पूछूंगी फर्क पड़ता है या नहीं। बेटी क्या तुम्हारी अम्मी का इशारा उसकी तरफ तो नहीं जो आजाब का बाइस बनी तुम्हारी जिंदगी के लिए? बेटी जवाब दो, मैं तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूं। जी अब्बू वो रूबी ही है। वाह बेटी, उस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उसके सामने जाऊं कि नवाब मिर्जा खुद चलकर जाए उसके पास और उसके रूबरू बैठे? बेटी ऐसा कहने से पहले तुमने सोचा नहीं कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तुमने और अकरम ने उससे लोन लेने के बारे में सोचा कैसे। नहीं अब्बू, ये ऑफर रूबी ने दी थी, वो खुद आई थी अकरम के पास। क्या? नहीं बेटी मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अबू उसकी कंपनी की तरफ से उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो हर हाल में ये प्रोजेक्ट वापस ले आए, इसलिए वो आई थी अकरम के पास ये रिक्वेस्ट लेकर, लेकिन अकरम ने तो साफ मना कर दिया। और मैं जानती हूँ उसने ऐसा सिर्फ मेरी खातिर किया है, उसने पहले भी तो मेरी खातिर लोन ठुकराए हैं, अब वो मेरी वजह से कुर्बानी दिए जा रहा है, तो क्या मेरा और आपका कोई फर्ज नहीं बनता? मम्मी आपको क्या लगता है, क्या मैं गलत हूँ? अगर मुझसे पूछोगी तो गलत है, लेकिन इंसानियत के नाते सही है। क्या आप भी? देखिए ये उस अकरम की बेहतरी की बात है जिसने हमेशा हमारी हीना की बेहतरी का सोचा है। तो क्या वो राजी है इस लोन को लेने के लिए? अभी तक तो ये फैसला सिर्फ मेरा है, अगर आप राजी हो जाएं तो अकरम को मैं मना लूंगी। इस बारे में सोचने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए।